हरे कृष्णा, मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। देखिए, आज फिर से मैं लाइव हुआ हूँ वास्तु शास्त्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, और आज हमारा ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम वास्तु के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें जो जीवन बदल सकती हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और इस पर्टिकुलर सेशन में जो भी मैं बताऊंगा उसको करने के लिए आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इन सब चीजों को आप कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। जितेंद्र जी जुड़ गए हैं, नीरज जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। शिव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सार्थक खन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो यहाँ पर जो आज का ये जो लाइव सेशन रहेगा, इसमें बहुत सी चीजें हमारे डेली बेसिस में जो चीजें यूज आती हैं उसके साथ जो है जुड़ी हुई हैं। तो ये चीज बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पे कोई चीज यूज करते हैं तो उसका वास्तु के ऊपर जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें शुरुआत हम करेंगे आपकी वॉल क्लॉक से और आपकी रिस्ट वॉच से। वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच कहाँ पर किस कलर की कैसे डालनी चाहिए। फिर तीसरा जो हम इसमें कवर करेंगे वो शू रैक और शूज के बारे में कवर करेंगे वास्तु के हिसाब से। और चौथा जो हम इसमें कवर करेंगे वो आपके रूम्स के अंदर जो कलर्स हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे एज पर दी हॉरोस्कोप। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन जो है होने वाला है। बहुत सी चीजें आपको अपने जीवन की पता लगेंगी यहाँ पर। और आई एम श्योर कि ये छोटी छोटी चेंजेस अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो 100% आपको जो है लाभ जीवन के अंदर मिलेगा। सो आई जस्ट टेक अनदर 30 seconds सो दैट एवरीबडी कैन ज्वाइन अस। और आप जैसे ही आप ज्वाइन कर रहे हैं तो साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। आई वॉन्ट मोर पीपल टू बी विद अस सो दैट यू नो वी कैन टेक दिस सेशन यू नो इन अ बेटर वे। सो शिव शर्मा जी ने लिख दिया है शेयर, और बहुत बहुत शुक्रिया शिव शर्मा जी। आपका क्वेश्चन था शूज को लेकर, तो मैंने सोचा कि पूरे समाज का ही भला कर देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आज मैंने वैसे भी कवर करना था शूज को लेकर, और आपने यू नो कुदरती मुझे वो चीज आपने मैसेज कर दी, तो बहुत अच्छा लगता है। एक अंदर से कनेक्टिविटी फील होती है जैसे मैं आपके साथ अंदर से कहीं पर जुड़ा हूं कि मेरे अंदर की आवाज पहले ही आप जो है उसको समझ लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिव शर्मा जी आपका। पंकज अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। ढूंढ रहा था मैं आपको, आप कहाँ थे, क्योंकि हमेशा सबसे पहले मैसेज आपका ही आता है। थोड़ी टेंशन हो गई थी, मैंने सोचा कि आपको अभी कॉल करूं आप कहाँ गए, क्योंकि आप हमेशा मेरे सेशन में होते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सो लेट्स स्टार्ट आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वो वॉल क्लॉक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है कि यू नो घर पे कोई भी घर ऐसा नहीं होता है जिसमें वॉल क्लॉक नहीं होती है। यू ऑलवेज हैव वॉल क्लॉक घर पे। और समय क्या है? समय एक ऐसी चलने वाली चीज है जो कभी रुकती नहीं है, राइट? समय हमेशा आपको लाइफ के अंदर बहुत से सबक सिखाता है, राइट? कभी कभी आप किसी को गुस्से में कह भी देते हो कि कोई नहीं समय आने दो फिर हम आपको बताएंगे, या जब इस दुनिया से कोई जाने वाला होता है या आने वाला होता है तो एक ही वर्ड यूज किया जाता है कि टाइम आ गया है। टाइम आ गया है मतलब टाइम हैज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीचिंग यू नो और अटेनिंग फ्यू थिंग्स इन लाइफ एंड गिविंग फ्यू थिंग्स इन लाइफ। और आप लोगों से ये मैं सवाल करूंगा कि आप समय से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फटाफट से एक वर्ड में लिखकर भेजिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम समय, काल से, समय से, वक्त से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि समय की एक्सपेक्टेशन क्या होती है,
आप लोगों से, सो दैट हम समय का एग्जैक्ट वास्तु जो है आपको आज बता सकें। देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये, बहुत लोगों की जिंदगी ये बदल देगा ये टॉपिक। आप मुझे फटाफट से एक मैसेज में लिखकर बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है कि समय से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं समय से, कि कैसा समय हो, क्या समय आपको दे, व्हाट शुड बी यू नो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि समय आपको क्या चीजें दे जीवन के अंदर, सुख दे, सुविधा दे, तो आप एक वर्ड में मुझे थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, लिख कर दीजिए व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। सो देखिए समय हैप्पीनेस, उर्वशी उर्वी शाह इज सेइंग हैप्पीनेस, ओके यस हैप्पीनेस। मैं यहां पर छोटा छोटा एक वर्ड यहां पर लिखता जाता हूं, ये याद करते जाते हैं, ओके हैप्पीनेस इज वन थिंग, बिल्कुल सही कहा, आप खुशी मांगते हैं वक्त से कि वक्त हमें खुशी दे। पंकी अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस, है ना, ठीक है कि पीस शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, समय से हमारा टाइम अच्छा रहे। जितेंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, शिव शर्मा कहते हैं कि मुझे डिसिप्लिन चाहिए समय से, है ना, बिल्कुल अच्छा, बहुत बहुत सही आपकी एक्सपेक्टेशंस है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हेमंत सचदेवा जी कह रहे हैं गुड टाइम शांति, शैलेश पटेल जी कह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी, दीपक जी कह रहे हैं राइट, सो ऑल दीज आर वंडरफुल आंसर्स, है ना, तो खुश, सुख, सुविधा, मन की शांति, ये सब चीजें आपको जीवन में कैसे मिलती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इन सब चीजों का भी एक सोर्स है राइट, इन सब चीजों का भी एक सोर्स है, वो सोर्स का नाम है अपॉर्चुनिटी राइट, अपॉर्चुनिटी। आपको लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, मौका। आप हमेशा नहीं कहते हैं कि यू नो आपको एक मौका मिल जाए, बस मुझे एक चांस मिल जाए, वन लास्ट चांस राइट, एक लास्ट चांस मुझे मिल गया तो मैं इस चीज को अचीव कर लूंगा, और जब आप चीज को अचीव कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है, हैप्पीनेस राइट, मन की शांति, पीस, ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट है आपकी अचीवमेंट्स के, मन की शांति, खुशी मिलना, ये सब चीजें, ऑल दीज थिंग्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ, जो आपने अपनी लाइफ के अंदर अचीव, लेकिन वो अचीवमेंट कैसे मिलती है, मौका मिलने से, अपॉर्चुनिटी मिलने से राइट। और वास्तु शास्त्र के अंदर अपॉर्चुनिटी कहां पे होती है, फटाफट से बताओगे आप लोग मुझे, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी, कौन सी साइड में अपॉर्चुनिटी होती है, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, के साउथ में, वेयर डू वी हैव अपॉर्चुनिटी, हु विल आंसर मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज जब तक मैं आपको पूछूंगा, आपको बताऊंगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। सोनल सेठी इज सेइंग इट इज इन द नॉर्थ एंड शी इज 100% राइट। उर्वी शाह इज सेइंग इट इज इन द नॉर्थ, नॉर्थ जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है राइट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी घड़ी जिस भी कमरे में लगी हो वो नॉर्थ की दीवार पे होनी चाहिए, इट्स एज सिंपल एज दैट। और आप उसको क्योंकि शनि का एलिमेंट भी उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, सो आइदर योर वॉच शुड बी इन द नॉर्थ और इट शुड बी इन द नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट बट द बेस्ट इज द नॉर्थ, ओके। सो घड़ी जब भी आपने लगानी है आपने हमेशा या तो आपका जो मेन लिविंग रूम है वहां पे नॉर्थ साइड पे लगाएं, या अगर आप बेडरूम में, स्टडी रूम में, जिम में, कहीं पे भी आप घड़ी लगा रहे हैं तो घड़ी हमेशा आपकी नॉर्थ की दीवार पे होनी चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा, समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू करेगा, और अपॉर्चुनिटीज ही हमें जीवन में चाहिए, बताओ और क्या चाहिए आपको जीवन में, अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है तो एक अपॉर्चुनिटी है ना। अब मैंने कोर्सेज लॉन्च किए हैं राइट, अब वो एक अपॉर्चुनिटी है अपना जीवन बदलने की, केवल जिनकी जिंदगी में जीवन बदलना लिखा होगा, जिनके जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचना लिखा होगा वही लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे, बाकी सोचकर चाहकर भी उस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ, फिर मैंने पछताया कि अरे यार वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी,
और मुझे वो चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। और इंसान, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि अगर आपने सही वक्त पे अपॉर्चुनिटीज नहीं एक्सेप्ट की लाइफ में, तो इंसान कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता है। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी। टाइम इज ऑलवेज अबाउट अपॉर्चुनिटी। टाइम जो है वो साउथ में नहीं होना चाहिए कि रुक जाए सारी अपॉर्चुनिटीज, स्टेबल हो जाए। आप लोगों को स्टेबल लाइफ चाहिए, स्टेबल टाइम नहीं चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी वाला टाइम चाहिए कि हर दिन एक नया मौका हो अपनी लाइफ को इंप्रूव करने का। यस? नो? मेबी? यस। एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू शुड गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज टू मेक हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज टू मेक गुड फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज टू गो टू अ टेम्पल। सत्संग, पीस कहां से मिलती है? जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मेडिटेशन करने की, आपको माहौल ऐसा मिलता है मेडिटेशन वाला। ठीक है, हर चीज को लॉजिकली समझाना। मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है, यूट्यूब पे लोग बोलते हैं घड़ी नॉर्थ में लगा दो। किसी ने बताया नॉर्थ में क्यों लगाओ? वक्त से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और वक्त आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप टाइम वेस्ट ना करें। जो भी आपकी जिंदगी का एक एम है, एवरी सिंगल मिनट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इट। जैसे मैं ज्योतिष के बारे में 24 घंटे 365 डेज सोचता रहता हूं। कुदरत को मैसेज जा रहा है कि कहीं पे लुधियाना में एक ज्योतिषी है जो 24 घंटे ये नहीं सोचता है कि किससे पैसे कैसे लेने हैं या उपाय कैसे करवाना है। वो ये सोचता है कि ज्योतिष क्या है, कैसे। देखिए, आज मैं सोच रहा था कि मुझे आज के बाद घड़ी डालनी ही नहीं है। राइट? आई वॉज थिंकिंग ऑफ इट, दो आई एम वियरिंग अ वॉच। राइट? क्यों नहीं डालनी है? मैंने ये सोचा कि लेट्स डू इट एज पर ऋषिज यूज टू डू। देखिए, एक दिन का समय लगेगा आपके जीवन में, ज्यादा नहीं लगेगा। सर्दियों में आप इसको अप्लाई करना, बाहर बैठ जाना सुबह सुबह सूर्य के राइज होने से पहले, सनराइज से, सूर्य उदय से पहले बाहर जाके बैठ जाना और सूर्य की डायरेक्शन देखना। ईस्ट से सूर्य ऊपर आता हुआ आपको नजर आएगा, आप टाइम देखना और फिर अपनी कॉपी में एक डायरेक्शन बनाना। जैसे यहां से ईस्ट से, हमेशा ईस्ट और वेस्ट टेढ़े होते हैं, तो ईस्ट से यहां से सूर्य नजर आता है, आएगा ऊपर, आता आता सूर्य यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां, ऐसे। और यहां पर आप टाइम जो है नोट करते जाना, 7:30 हो गए, 8:30 हो गए, 9:15 हो गए, 9:30 हो गए। अगले दिन आप सूर्य को देखकर आप बता देंगे कि आपके घड़ी पे क्या समय हुआ है, आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें हमारे ऋषि मुनि करते थे, डायरेक्शन देख के बताते थे कि दोपहर है, कि दोपहर है, कि शाम है, कि सुबह है, कि रात है। चंद्रमा की पोजीशन भी ऐसे ही मूव करती है, आप आधी रात, मिडनाइट बता सकते हैं। मैंने कुंडली में भी आपको बताया है, घड़ी जो है आपके अंदर होती है, आपके मन के अंदर होती है। आप सोने से पहले ऐसे करके बैठ जाओ और बोलो, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपसे बड़ा कोई नहीं और आप मेरे अंदर हैं, मुझे सुबह 5:32 पे उठा दीजिएगा, मैं आपके सहारे सोने जा रहा हूं। इंसान हूं, गलती भी हो सकती है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि 5:32 पे आप उठा देंगे। यू डोंट नीड एन अलार्म, यू स्लीप 5:32, यू ओपन योर आईज एंड सी दी मोबाइल फोन, 5:32 उस समय हुए होंगे। सिंपल। देखिए, वॉच राहु रिप्रेजेंट करता है नो, ऐसा नहीं है नीरज जी। कोई भी टेक्नोलॉजी की जो चीज है, कोई भी टेक्नोलॉजी की जो चीज है, वो राहु के अंडर आती है। राइट? आज की डेट में, पहले जो घड़ियां होती थी, आपको देखा वो उल्टा कलर रेत होती थी, उसके ऊपर इसको ऐसे कर देते थे, 1 मिनट टाइम चलता, धीरे धीरे निकलता रहता था। नेचुरल पेंडुलम होती थी, नॉर्मल वॉचेज होती थी, डिजिटल वॉचेज होती थी। राइट? ये सारी की सारी चीजें अब राहु की कैटेगरी में आ गई, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी, ये जो स्मार्ट वॉच है ना, दिस स्मार्ट वॉच, दिस इज एग्जैक्टली राहु, दिस इज एग्जैक्टली राहु। जैसे ही टेक्नोलॉजी एनहांस होती जाएगी, आपके घर के आसपास जो ऑटोमेटिक कार्स हैं, आपकी आर्किटेक्चर है, एसी है, एवरीथिंग इज राहु। सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो राहु है। राइट? सो हम राहु भी इसको कह सकते हैं।
राइट। सो ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो समय है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको वेस्ट ना करें, और आप समय से एक्सपेक्ट करते हैं कि समय आपको अपॉर्चुनिटी दे। सो अपॉर्चुनिटीज, जैसे कभी कभी कई घरों में ऐसा होता है कि लड़का या लड़की जवान है, रिश्ता ही नहीं आ रहा होता, शादी ही नहीं हो रही होती, अपॉर्चुनिटी ही उनको नहीं मिल रही होती है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, घड़ी को आप देखिए कहीं साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट या साउथ में तो नहीं लगी हुई है, और नॉर्थ में लगानी है। अब बात आती है कि किस कलर की वॉल क्लॉक होनी चाहिए। देखिए नॉर्थ में हल्के क्रीम कलर की ऑफ व्हाइट कलर के बेस की जो वॉच है वो धन को अट्रैक्ट करती है, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट दी मनी। देखिए आपका जो बेस है घड़ी का वो रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करें कि घर में हमेशा व्हाइट या ऑफ व्हाइट या गोल्डन कलर का जो बेस हो वही वॉल क्लॉक लेकर आए। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ग्रे, ये सब घड़ियों को अवॉइड करें, राइट, ट्राई टू अवॉइड। अगर आप फैक्ट्री में आपका ब्रांड रेड कलर का है तो कोशिश करें कि घड़ी आसपास रेड कलर की हो, बीच में जो उसका बेस है वो व्हाइट या ऑफ व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि ऑफ व्हाइट कलर धन को अट्रैक्ट करता है नॉर्थ के अंदर। तो ये चीज आपने केयरफुल, अगर आपके घर में काले रंग की घड़ी है, राइट, नाउ इट बिकम्स प्योर राहु एलिमेंट, राइट, प्योर सैटर्न एलिमेंट, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑफ व्हाइट या गोल्डन कलर की घड़ियां जो है वो घर पर लेकर आए। देखिए जो ब्लैक कलर की घड़ी है वो रिस्ट में डाली जा सकती है अगर आपका शनि अच्छा है। उस पे मैं आने वाला हूं कि राइट रिस्ट पे घड़ी बांधनी चाहिए कि लेफ्ट रिस्ट पे घड़ी बांधनी चाहिए, है ना, मजेदार बात। आपने देखा होगा कुछ लोग राइट हैंड की रिस्ट में घड़ी बांधते हैं और कुछ लेफ्ट के, उसका भी जवाब आपको आज मिलेगा। किस कलर की घड़ी आपकी जो है रिस्ट वॉच होनी चाहिए इसका भी जवाब आपको मिलेगा। दे और दे दीज थिंग्स आर ऑल कवर्ड इन वास्तु, बिकॉज वास्तु इज जस्ट नॉट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द वास्तु बट ऑल्सो ऑल्सो द इंडिविजुअल वास्तु। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं आज, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आपको एक पता है एक चीज की, आपका वास्तु घर पे या ऑफिस में 100% करेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़े बहुत फ्लॉज जरूर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं आपको उसका एक रीजन बताता हूं। सपोज करो आपके घर का वास्तु 100% करेक्ट हो गया। आपने देखा है कुछ लोगों ने अपना घर 100% वास्तु के हिसाब से बनाया होता है और सुखी नहीं होते हैं, दे आर रियली इनटू प्रॉब्लम, राइट, ये भी वास्तु से वो भी वास्तु से एवरी चीज भगवान के भरोसे नहीं छोड़ी होती कुछ चीजें। देखिए इंसान है, गलती करता है, आपको इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। 70-80% आप कोशिश रखें अपने आप को ठीक रखने का, वास्तु को ठीक रखने का। अगर 10-15-20% फ्लॉज हैं तो वो होने भी चाहिए। रीजन रीजन आपके घर में, आपके शरीर में, भारत में, इंडियंस के अंदर इम्यूनिटी है। आप कहीं से भी कुछ खा ले ना, रोड साइड से कढ़ी चावल खा ले या राजमा चावल खा ले या आलू पूड़ी खा ले, आप बीमार नहीं पड़ोगे। आप अंग्रेज को लेकर कढ़ी चावल खिला दीजिए, मेरे एक मित्र थे अमेरिका से आए, उनको बोलो कढ़ी चावल खाने हैं, तो उन्होंने कहीं से कढ़ी चावल खिला दिए। एक हफ्ता डीएमसी में रहे वो सिर्फ कढ़ी चावल खाने से, बिकॉज दे डू नॉट हैव द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी नहीं है। अब आपको एक ऐसे माहौल में रहने की आदत हो गई जहां पर आपका वास्तु 100% है, घर का भी ऑफिस का भी एक्यूरेट किया हुआ है, लेकिन क्या व्यापार फैक्ट्री में बैठ के या घर के बैठ के चलते हैं व्यापार? नहीं। आप ऐसी जगह में जाएंगे लोगों से बिजनेस लेने, लोगों से काम लेने जहां पर वास्तु एक्यूरेट नहीं होगा, राइट, उस माहौल में जाकर आपकी एनर्जीज अनकंफर्टेबल हो जाएंगी और आप बिजनेस को लेकर नहीं आ पाएंगे। इमेजिन इमेजिन कि किस डीप थ्योरी से मैं सोच रहा हूं। मैं आपका वास्तु ठीक करूंगा लेकिन उसमें आपको इम्यून भी रखूंगा कि अगर आप नॉन वास्तु जगह पर जाएं आपकी एनर्जी
जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत डिफिकल्टी में भी आप काम कर सकें। इसीलिए मैं स्ट्रक्चर चेंजेस में विश्वास नहीं रखता कि आप घर तोड़ दो, नहीं नॉर्थ ईस्ट तोड़ दो, आप यहाँ पे बाथरूम कर दो, मतलब बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में होना नहीं चाहिए। अरे आई विल गिव यू दी रेमेडीज। सपोज कीजिए आप किसी की फैक्ट्री में जाते हो और आपको बाथरूम जाना है और उनका बाथरूम है ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर और आपको प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला कि आपने पेशाब नहीं रोकना है, वॉशरूम नहीं रोकना है अपना, एंड इफ यू डोंट गो देयर यू कैन किल योरसेल्फ। आपको इम्यून होना चाहिए, आपको इम्यून होना चाहिए ऐसी जगह पर जाकर भी। अभी आप फॉरेन में जाते हैं बिजनेस लेने के लिए, किसी की फैक्ट्री में जाते हैं बिजनेस लेने के लिए, घंटा दो घंटा डील चलती है, पेमेंट ले दी जाती है, पेमेंट डिसाइड होती है, देर आर चांसेस कि वो जो जगह है वो वास्तु के अकॉर्डिंगली ना हो और आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी वास्तु में रहती है, वो सारी बैलेंस्ड है। अब जैसे ही वहां पर 2, 4, 6, 8 घंटे आप बिताएंगे, आप डिसबैलेंस हो गए, आप डील नहीं क्रैक कर पाओगे। ये जो लोग आपको 100% वास्तु के हिसाब से ये हो जाए वो हो जाए, कुछ चीजें अपने मन के हिसाब से भी आप घर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, सब कुछ कुंडली पे डिपेंड करता है। फ्लैट सिस्टम होता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सबका नक्शा जो ग्राउंड सिस्टम है एक ब्लॉक में सबका नक्शा सेम होगा, वही बाथरूम, वही किचन, वही सब कुछ। सबसे नीचे वाले के पास मर्सिडीज होगी, उसके ऊपर वाले के पास हो सकता है स्कूटर भी ना हो, हो सकता है उसके ऊपर वाला वेलऑफ हो, नीचे वाले के पास पुत्र हो, ऊपर पुत्रियां हो, ऊपर बच्चे ही ना हो तीसरे फ्लोर के अंदर। दो द मैप इज सेम, द डायरेक्शन इज सेम, एवरीथिंग इज सेम एंड स्टिल दे हैव डिफरेंट रिजल्ट्स। इज इट बिकॉज ऑफ वास्तु? नो, इट इज बिकॉज ऑफ देयर एलिमेंट्स, फायर, अर्थ, एयर एंड वॉटर एलिमेंट्स इन दी हॉरोस्कोप। उसमें जो हॉरोस्कोप में वो जो एलिमेंट्स हैं वहां से पता लगेगा, वहां से पता लगेगा। और अगर उनका 60-70% वास्तु ठीक कर दिया जाए तो जिंदगी ठीक हो जाएगी। 100% वास्तु ठीक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया 100% वास्तु के साथ नहीं हो सकती है, ये बात आप याद रखना सारे। हो सकती है तो बताओ, मैसेज करो, इज इट पॉसिबल, टेल मी, इज इट पॉसिबल। घर जैसा खाना हर जगह मिल जाए, इज इट पॉसिबल? इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर खाना ना खाएं। हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी खत्म हो गई फिर आप बाहर खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। हमने आपका वास्तु करके इम्यूनिटी खत्म नहीं करनी है, आपकी इम्यूनिटी खत्म नहीं करनी। थोड़े बहुत अगर उसमें दोष हैं भी हैं तो वो परमात्मा की पूजा पाठ से, दया से ठीक हो जाते हैं, टेम्परेरी चीजें ठीक हो जाती हैं, राइट? सो इसलिए इसलिए द प्रॉब्लम इज दैट 100% वास्तु, नो, राइट? ये भी लोग तुड़वा देते हैं अपनी चीजें, राइट? हमने चीजें नहीं तुड़वानी है, हमने चीजें नहीं तोड़वानी है, हमने स्ट्रक्चरल छोटी छोटी चेंजेस, कुर्सी को इधर से इधर कर दीजिए, अपना ऑफिस का टेबल। अब आप लोग साउथ की बात करते हैं, मैं आपको एक पत्थर पे लिखी हुई चीज कहता हूं, पत्थर पे लिखी हुई चीज देता हूं। अगर आपका स्टाफ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका घर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप साउथ फेस करके बैठना शुरू कर दीजिए, आपका पूरा स्टाफ आपके कंट्रोल में आ जाएगा। द ऑनर ऑफ द ऑफिस शुड फेस साउथ व्हेन ही सिटिंग। यू सी कि आपका पूरा का पूरा स्टाफ आपके अंडर आना शुरू हो जाएगा अगर आउट ऑफ कंट्रोल है। ये रामबाण है, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो बता रहा हूं, इसको ये नहीं कि आप साउथ में फेस करके बैठ जाए। हाँ, आप ईस्ट फेस करके बैठे, आप नॉर्थ फेस करके बैठे, लेकिन अगर कंट्रोल की कमी है, सब कुछ ठीक है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है सारा स्टाफ, देन यू शुड लुक टू वर्ड साउथ। साउथ की तरफ देखें तो आपको आपका पूरा का पूरा जो देखिए, यमराज से सब डरते हैं ना, एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ यमराज। नाउ द स्टाफ वुड स्टार्ट गेटिंग स्केयर्ड यू नो फ्रॉम यू, दे आर स्केयर्ड ऑफ यू। जैसे कि बाबूजी आएंगे तो वो सब करेंगे, फटाफट से काम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी,
अगर आप अगम और निगम पढ़े उसमें ये सब चीजें लिखी है। वास्तु शास्त्र को अगर पढ़ा जाए तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। रेगुलर वर्कआउट एंड हेल्दी फूड, यस। नॉर्थ और वेस्ट का एरिया जो होता है घड़ी लगाने के लिए, ये इसीलिए है कि इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज टू वर्कआउट, इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज टू गो टू जिम। हाउ डू यू गो टू जिम? आप जिम कैसे जाते हैं? आपके दिमाग में केमिकल फॉर्म होता है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे फिटनेस के लिए कुछ करना है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे जिम ज्वाइन करना है। उस आइडिया को आप अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करते हो। कैसे? उसी समय आपके सामने एक एड आ जाती है, ओ ये वाला फिटनेस का जिम खुला है। एक दोस्त कहता है यार मैं तो रोज जिम जा रहा हूं, तू मेरे साथ चलेगा, मिलकर एक्सरसाइज करेंगे? तो हाँ चलूंगा। या मैंने ये जिम ज्वाइन किया तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले। 90% ऐसे होता है रेफरल। वो एक अपॉर्चुनिटी वक्त ने क्रिएट किया आपके लिए, मन में दिमाग में केमिकल्स फॉर्म किए और आप जिम जाना शुरू किए। यही चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको हेल्थ दे देगी। तो घड़ी नॉर्थ में क्रीम कलर की, व्हाइट कलर की घड़ी लगाओ नॉर्थ में करके, कुंडली जैसी भी है वो बाद में देखेंगे, अभी के अभी ये करो। अगर साउथ में या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में कहीं पे घड़ी लगी हुई है उसको उतारो, टेक इट ऑफ और उसको नॉर्थ में लगा दो, फिर आप मुझे बताना। 15 दिन में मुझे मैसेज करके बोलना नवनीत सर अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग गई है। हर समय जो वक्त है उसकी एनर्जी जो है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू करेगी वास्तु के हिसाब से। नॉर्थ साइड ऑफ योर होम इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। और 100% वास्तु नहीं करना है, अगर उसमें 10-20% फ्लॉ है कोई बात नहीं, घबराना नहीं, अच्छी बात है, बिकॉज दैट विल गिव यू इम्यूनिटी। अगर आप एक नॉन वास्तु जगह पर भी जाते हैं वहां से भी आप रिजल्ट लेके घर आएंगे, यही आपकी एक्सपेक्टेशन है। आप पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरी दुनिया का वास्तु नहीं कर सकते। जिस जिस फैक्ट्री में आप काम करने जाते हैं, जिस फैक्ट्री से आप काम लेने जाते हैं, उसका वास्तु आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो बी इम्यून। और इम्यूनिटी कहां से आती है? जैसे यहां पर सोनल कह रहे थे कि इम्यूनिटी के लिए सर मंत्र बताएं। सबसे बढ़िया मंत्र इम्यूनिटी के लिए जो है वो दो मंत्र हैं। एक तो ओम नमः शिवाय का सिंपल मंत्र है, एक मां दुर्गा का मंत्र है। आपको दुर्गा स्तुति में मिल जाएगा, जब सुबह माता वैष्णो की आरती हो रही होती है उस समय भी ये मंत्र बार बार कहा जाता है। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, यशो देही द्विशो जही। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, यशो देही द्विशो जही। अर्थात कि आपका जो है देही सौभाग्यम, सौभाग्य मिले आपको जीवन में, आरोग्यम मिले, राइट, परम सुख, हाईएस्ट लेवल के सुख मिले आपको जीवन में, ये उस चीज को लेकर मंत्र है। ये मंत्र आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, राइट। सो वन शुड डू ऑल दीज थिंग्स टू बी इम्यून, इम्यून टूवर्ड्स एनीथिंग। मेरे साथ आनंद अत्री जी जुड़ गए हैं, चरण वंदना आपको गुरुदेव, बहुत 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 स्वागत आपको, लाखों करोड़ों प्रणाम। और मेरा सौभाग्य है कि आनंद अत्री जी मेरे आज एक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं। आपके चरणों को मैं स्पर्श करता हूं और अपनी मन यात्रा से, अपने मन की यात्रा से आपके लिए आशीर्वाद जो है मैं आपका एक्सेप्ट करता हूं। बहुत बहुत स्वागत आनंद जी आपका हमारे इस लाइव सेशन के अंदर। तो वास्तु की बात कर रहे थे कि घड़ी जो है घर पे कहां पर होनी चाहिए, तो नॉर्थ में जहां पर अपॉर्चुनिटीज वास्तु क्रिएट करता है वहां पर घड़ी होनी आवश्यक है। और कुंडली से इनपुट लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे शरीर में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमारे खाने होते हैं, राइट। अब सेकंड जो बात करेंगे, मैं डिफरेंट खानों के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं कि घड़ी राइट हैंड पे डाली जाए कि लेफ्ट हैंड पे डाली जाए या ना ही डाली जाए। सबसे पहले आपको अपना लगन आइडेंटिफाई करना होता है।
देखिए, अगर आपकी कुंडली में देव लगन है, मेष लगन 8 नंबर, वृश्चिक लगन है, उसके बाद 4 नंबर लगन है कर्क लगन है, 5 नंबर सिंह लगन है, 9 नंबर धनु लगन है और 12 नंबर अगर मीन लगन है, ऐसे जातकों को कोशिश करें कि आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर काले रंग की घड़ी, जो कि शनि और राहु का रूप होता है, वो नहीं धारण करनी चाहिए। चमड़े के स्टैप की जो घड़ी होती है वो भी धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग देव लगन की कुंडलियों के लोग होते हैं। इनको व्हाइट गोल्डन इस प्रकार की घड़ियां जो है अपने लाइफ में इस्तेमाल करनी चाहिए। आप करके देखिए, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, आप करके देखिए। और कुंडली का बैलेंस भी देखना चाहिए कि इनमें से जो योग कारक प्लेनेट हैं, राइट, कुंडली में जैसे आप सामने से काल पुरुष की कुंडली देखें तो एक एरिया जो है, जैसे ये लेफ्ट आई का एरिया होता है, ये राइट आई का एरिया होता है, राइट। सो जो ये पार्ट है दैट इज द लेफ्ट पार्ट, और जो ये पार्ट है दैट इज द राइट पार्ट ऑफ द कुंडली। अगर मैं बीच में से सेंटर से राइट एक चीज खींच देता हूं तो आप अपने आप को फेस करेंगे। सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द हॉरोस्कोप एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हॉरोस्कोप। सो इफ यू हैव अ योग कारक प्लेनेट हु इज गिविंग एक्सीलेंट रिजल्ट, अगर आपके लगन के स्वामी जो हैं वो लेफ्ट साइड पे कहीं पर अच्छी स्थिति में पड़े हैं, वीर इट ऑन द लेफ्ट हैंड, राइट, बिकॉज वो लेफ्ट एरिया आपका एक्टिवेट हुआ होता है, राइट। और अगर आपके लगन के स्वामी इस तरफ अच्छी जगह पे बैठे हैं तो कोशिश करिए आप राइट रिस्ट में घड़ी बांधें, और मेक श्योर अगर लगन लॉर्ड वीक हैं या अस्त हैं, कंबस्ट हैं या मारक स्थिति में कहीं पर आकर 6, 8, 12 में बैठ गए, प्रॉब्लम है, तो आप देखिए कि आपके भाग्य के स्वामी, बिकॉज भाग्य ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, 9th हाउस लॉर्ड जो है वो किस स्थिति में है। अगर 9th हाउस लॉर्ड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड में डालें, अगर इसमें है लेफ्ट हैंड साइड पे कुंडली के, तो अगर अच्छी जगह पर बैठे हैं तो वहां पर आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लगन जो है इन सब चीजों से हटकर 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर इस प्रकार का आपका लगन है कुंडली के अंदर, तो उन सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर 3 नंबर लगन है, 6 नंबर है, 2 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर लगन है, तो वहां पर जो है आप जो है घड़ी काले रंग की घड़ी, ग्रे कलर की घड़ी, और शनि की पोजीशन, राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है या केतु की पोजीशन अच्छी है, कलयुग में राहु और केतु बहुत कुछ दे सकते हैं। केतु भक्ति दे सकता है, राहु पैसा दे सकता है, इनको गलत ग्रह नहीं माने। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं लाइफ के अंदर, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो यहां पर अगर आपका दैत्य लगन है कहीं ना कहीं पर 3, 6, 2, 7, 10, 11, देयर आर थिंग्स दैट यू कैन वियर, वो जो चीजें हैं ग्रे ब्लैक राइट इस प्रकार की घड़ियां आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप देव लगन से हैं और आप देव कार्यों में अपने आप को बिठाते हैं तो गोल्डन व्हाइट सिल्वर इस प्रकार की जो चंद्रमा से रिलेटेड कलर है, जो शुक्र से रिलेटेड कलर है, बृहस्पति से रिलेटेड जो कलर है, आप उनको धारण करें, आप देखें कि आपका वक्त बदलना शुरू होगा। और आपकी इम्यूनिटी केवल मंत्रों से बनती है, केवल मंत्रों से बनती है। देखिए आनंद अत्री जी के जीवन में जब मैं जुड़ा, इन्होंने एक वृद्ध आश्रम खोला हुआ है, गंगाधाम वृद्ध आश्रम है चंदर नगर में, इससे बढ़िया उत्तम काम कोई नहीं हो सकता। इन्होंने अपने शनि को बिल्कुल, और शनि काल भी है अपने कब्जे में कर लेता है इंसान जब वृद्धों की मदद करने के लिए जीवन, जब भी मैं किसी भी कुंडली में शनि की कोई प्रॉब्लम देखता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप शनि मंदिर जाएं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप शनि पे तेल चढ़ाएं या आप मां की दाल चढ़ाएं, मैं ये कहता हूं कि जाओ वृद्धों की मदद कर दीजिए, आप ओल्ड एज होम के साथ जुड़ जाइए, वृद्ध आश्रम के साथ जुड़ जाइए, आपका शनि कंट्रोल हो जाएगा जीवन के अंदर, आपको ब्लेसिंग्स देने लग जाएगा 100%, 100% इस बात की गारंटी है। इसलिए अपना लगन चेक करें, आप देखिए कि आप देव लगन के हैं कि दैत्य लगन के हैं, उस हिसाब से आपके रिस्ट पे वॉच होनी चाहिए।
शनि अगर अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, काले रंग की घड़ी डालिए। अगर आपने शनि से रिजल्ट लेना है, शनि की दशा अंतरदशा चल रही है और शनि उच्च के बैठे हैं और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, आपको गोल्डन घड़ी नहीं डालनी उस सर्कमस्टांसेस में, आपको काले रंग की घड़ी डालनी उसमें। अगर राहु आपको रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं तो काले या ग्रे कलर की या ब्राउन कलर की घड़ी डालनी है। राहु का जो रंग होता है वो ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन कॉफी कलर जो होता है वो राहु का कलर होता है। क्यों होता है वो राहु का कलर जानते हैं आप? राहु जो है बेसिकली अगर कोई इंजॉय करने की चीज है, एक्स्ट्रा एंजॉय करने की चीज है, उसमें राहु का एलिमेंट होगा। और दुनिया जो है, जो दुनिया है, आप एक चीज आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में राहु कहां पर मिलता है। टेक्नोलॉजी, जैसे नीरज जी बात कर रहे थे कि जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है, इसीलिए लाल किताब में भी और नॉर्मल भी एक उपाय बताया जाता है कि घर में इलेक्ट्रॉनिक खराब नहीं होना चाहिए। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है अगर वो खराब है उसको फेंक दो, क्योंकि वो राहु है, वो राहु दोष है, एग्री नहीं होना चाहिए। खराब घड़ियां, खराब इंस्ट्रूमेंट्स घर पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि राहु का दोष है। राहु की एनर्जी आती है वो गलत एनर्जी है, समय को रोक देती है। लेकिन एक चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि राहु आपको कहां कहां दिखता है पूरी दुनिया में, अगर रिसर्च की हो, जितना भी मेडिकल का शोध है, जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेडिकल में होती है वो राहु की वजह से होती है। लेट मी टेल यू, जितनी भी मेडिसिंस हैं ये राहु की वजह से होती है। आपने जो कफ सिरप की शीशियां होती हैं उसको कौन से कलर का देखा है? मैक्सिमम ब्राउन कलर का होता है ना, जिसकी बीटाडिन, किसी भी चोट चपेट में जो सबसे पहली मेडिसिन लगती है वो बीटाडिन लगती है। वो जो बीटाडिन है ना वो राहु का कलर होता है, याद रखना। जो चॉकलेट कलर होता है वो राहु का कलर होता है। जितनी भी शराब की, बियर की बॉटल्स हैं, नेचुरली राहु ने वो कलर लिया हुआ है। जितनी भी बियर की बॉटल्स हैं वो डार्क ब्राउन कलर की होंगी, वो सब राहु है। लोग उसको दवाई बोल देते हैं। जो कफ सिरप है वो सब राहु का कलर की है। बीटाडिन की सारी दवाइयां जो है वो ब्राउन कलर की है। एवरीथिंग इज राहु। राहु इज जस्ट नॉट द टेक्नोलॉजी, देर आर सो मेनी थिंग्स। घर पे अगर खाली शराब की बोतलें पड़ी हो, इससे ज्यादा राहु दोष हो ही नहीं सकता। इमेजिन कीजिए आप, जिनका राहु खराब होता है, मैं सबसे पहले बोलता हूं कि दरवाजों को पेंट करवाओ। 90% लोगों के घरों में ब्राउन कलर के दरवाजे होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के। आपने तो एंटर पे ही, एक तो दहलीज पे राहु होता है, फिर दहलीज से आपने दरवाजों में आप ले आते हैं राहु को। आपने देखा कई लोगों के घर में व्हाइट कलर के, अमेरिका कनाडा में व्हाइट और ग्रे कलर के दरवाजे होते हैं, बिकॉज वहां पर शनि और शुक्र ये दोनों प्लैनेट एक्टिवेटेड है बहुत ज्यादा। तो ये बड़ी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि राहु केवल वहां नहीं है, राइट। और आपने देखा होगा कि अगर आप ब्राउन कलर की घड़ी लगा लेना घर पे, जो ब्राउन, जिसका ब्राउन बेस होता है, तो आपकी औलाद आपके हाथ से निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु का जो एरिया होता है वो साउथ वेस्ट का एरिया होता है। और साउथ वेस्ट में को एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्राउन कलर की एक वॉल क्लॉक लानी है और लगा देनी है। और अगर आपका राहु अच्छा है तो घड़ी डाल लो ब्राउन कलर की, आपको अरबोपति बना देगी। दैट विल मेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, आपको हाईएस्ट लेवल पे ले जाएंगे। बिकॉज राहु, रिचा लुथरा जी कह रही हैं, राहु रिप्रेजेंट्स टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, अकल्ट इंट्यूशन, इल्यूजन। यस, राहु रिप्रेजेंट्स सो मेनी थिंग्स दैट आर अराउंड अस, सो मेनी थिंग्स दैट आर अराउंड अस। सो यू नो, वन हैज टू अंडरस्टैंड द वास्तु इज जस्ट नॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लॉक। नॉर्थ में क्लॉक लगाओ, जहां पे भी लगाना है, जो भी कमरा है, साउथ में कमरा है आपका, साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ की दीवार पे घड़ी लगानी है, फुल स्टॉप। वॉच डालनी है अपना लगन देखकर, अगर देव लगन है तो गोल्डन और व्हाइट वॉच डालनी है, अगर दैत्य लगन है तो ब्लू, ग्रे, ब्लैक, ऐसी वॉचेस डालनी है, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत रेयर कंडीशन में दैत्य लगन में हम मूंगा डलवाते, बहुत रेयर कंडीशन में दैत्य लगन में हम पुखराज डलवाते, बहुत रेयर कंडीशन में।
आप सोनल कह रही है देव लगन में राहु की दिशा आ रही होती है, ये तो मैं बता रहा हूं सोनल, आपको राहु का आपको पूरा विश्लेषण करना होगा, और विश्लेषण करने के लिए केवल लगन चार्ट नहीं, D9 जहां पर डिग्निटी देखी जाती है प्लैनेट्स की। आप लोगों को पता है डिविजनल चार्ट्स कुंडली के अंदर क्यों बने हैं, व्हाई वी हैव डिविजनल चार्ट्स, जैसे D9, D11, D10, D27, D7, D12, D60 षष्ठी आमशा, D10 दशामशा, D24। व्हाई डू वी हैव डिविजनल चार्ट्स? वी हैव डिविजनल चार्ट्स सो दैट वी कैन डाइसेक्ट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डीपली डाइसेक्ट कर सके, उसका प्रॉपर विश्लेषण कर सके। जैसे अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम आती है, आप क्या करते हैं, आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक होते हैं? नहीं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आपकी हड्डी में प्रॉब्लम आती है, आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। आपको किडनीज में प्रॉब्लम आती है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ये ऑर्थोपेडिक, नेफ्रोलॉजिस्ट, ENT, ऑर्थोपेडिक, ये सब आपके डिविजनल चार्ट्स हैं। इन्होंने MD तो की, MBBS तो की है बेसिक, लेकिन उसके बाद स्पेशलाइजेशन MD में इन्होंने ये किया। इसी प्रकार आपका जो नेटल चार्ट है वो MBBS है, जो आपके डिविजनल चार्ट है वो MD है, और आप हमेशा MBBS MD डॉक्टर ही प्रेफर करेंगे अपने जीवन के अंदर। डिविजनल चार्ट में सोनल राहु को देखो, आपकी अगले 10-18 साल की दशा है राहु की, है ना? 18 साल में क्या एक्सपेक्ट करते हो? घर बनाना है, ऑफिस में कुछ बढ़िया करना है, करियर में कुछ बढ़िया करना है, फॉरेन जाना है, क्या करना है? उस चार्ट को देखो जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बच्चों की शादी करनी है या बच्चे को जीवन में लाना है, क्या करना है लाइफ में, उस हिसाब से राहु की प्लेसमेंट्स आपके घर में होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको घड़ी डालनी है, उस हिसाब से राहु की रेमेडीज करनी है, एनहेंस करना है, क्या करना है, जस्ट डू नॉट लुक एट दी लगन चार्ट, गो टू डिविजनल चार्ट, गो टू सब डिविजन, गो टू एक्चुअल डिपार्टमेंट्स। घर में जो पेंट होता है ना, वो कभी लगन चार्ट को देखकर नहीं हम करते, घड़ी जरूर डालते अपने शरीर पे, लेकिन जो घर में पेंट होता है वो घर का पेंट हम नवामशा से देखते हैं, D9 चार्ट से, क्योंकि प्लैनेट्स की डिग्निटी जो है वो D9 चार्ट में देखी जाती है। ऋचा लूथरा कह रही है कि डिविजनल चार्ट प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस, बिल्कुल यही कह रहा हूं ऋचा लूथरा जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर है चरण वंदना दीदी आपको, तो यही है इन डेप्थ। अगर आपने जाना है, कोई भी कुंडली डिविजनल चार्ट्स के बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, अगर उसका सही विश्लेषण अगर आपने जीवन में करना है और पर्टिकुलर एस्पेक्ट से अगर आपने रिजल्ट लेना है, यू विल हैव टू गो टू अ स्पेशलिस्ट। देखते लगन राहु महादशा कमिंग विद उच्च राहु, प्लीज गाइड। यस गैबी, आप ये एप्पल की जो है या किसी की व्हाइट ब्लैक कलर की वॉच डालो, आप जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। घड़ी और जूता, ये दो चीजें ऐसी होनी चाहिए जीवन में जिसपे कभी भी आपको पैसा लगाते हुए किर्स नहीं करनी चाहिए, आपको पैसा लगाना चाहिए। उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन है कि ये दो ऐसी चीजें हैं, शनि और राहु, जैसे नीरज जी ने बताया राहु घड़ी है, यस, और शनि जूते होते हैं, आपका जूता जो है वो शनि है। इन दोनों को अच्छी क्वालिटी का अपने पे धारण करना चाहिए। मान लीजिए आप 2-4 हजार की पैंट लेते हैं, 2-4 हजार की शर्ट लेते हैं, तो आपका जूता 10 हजार का होना चाहिए, ये रेशो होनी चाहिए, ये रेशो होनी चाहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा। लोग उल्टा करते हैं कि 15-20 हजार का अब सूट ले लेते हैं और जूते लेते हैं 1500 रुपए के या 2000 रुपए के, शनि खराब हो जाता है उससे, आपको लाइफ में स्ट्रगल मिलती है, आपको लाइफ में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब नीरज जी कह रहे हैं अगर सेकंड हाउस में राहु चंद्र हो तो क्या होगा? एक तो यहां पर एक्लिप्स लगा हुआ है राहु चंद्र का, पर मुझे इनके नक्षत्र नहीं पता, इनकी डिग्रीज नहीं पता, इनके ऊपर दृष्टि नहीं पता, इनकी नवांश में पोजीशन नहीं पता, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जस्ट फॉर गिविंग अ स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जो एस्ट्रोलॉजर वो
अभी जैसे कहीं देखे देखिए टैरो में तो अच्छा मिल जाता है, सिंगल क्वेश्चन का जवाब टैरो बिल्कुल एक्यूरेट दे देता है, सही दे देता है। लेकिन कुंडली में सिंगल क्वेश्चन का जवाब वो जो एस्ट्रोलॉजर दो दो मिनट का सेशन करते हैं ना कि आपकी कुंडली में अच्छा राहु यहां बैठा है आप ये कर लीजिए, इट इज नॉट गिविंग एनी रिजल्ट, इट इज अ मार्केटिंग स्टंट। ये मार्केटिंग स्टंट है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। कुंडली का विश्लेषण डिटेल में किया जाता है, अगर कुंडली का विश्लेषण डिटेल में करेंगे तो आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। इज दैट सिंपल इज दैट। 10th हाउस राहु बहुत अच्छा होता है साहिल जी, लेकिन थोड़ी सी फ्लक्चुएशन दे देता है लाइफ में, स्पेकुलेशन दे देता है, स्पेकुलेटिव काम में हो सकते हैं आप। 10वें घर का राहु ऊंच नीच बहुत दिखाता है, अप्स एंड डाउन बहुत दिखाता है वर्क प्लेस पे, बाकी नक्षत्र पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आपको डिविजनल चार्ट्स में जाकर घर के कलर कॉम्बिनेशन देखने चाहिए, वो मेरा कल का लेसन होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे थे क्लॉक और रिस्ट के ऊपर, राइट। और अगली जो हमारी बात है वो करनी है जूतों के ऊपर। जूते जो है वो शनि का एक सिग्निफिकेटर है, शनि रिप्रेजेंट करता है वाय। देखिए इस धरती पे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना हो, आपके पास तेज रफ्तार चीजें भी हैं जैसे राहु के एलिमेंट जो कि आपकी ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं, गाड़ियां हैं, जहाज हैं, टेक्नोलॉजी सब कुछ राहु है, राइट। अब आपके जो जूते हैं वो बहुत, अगर आप पैदल लुधियाना से चंडीगढ़ जाना चाहें या 100 किलोमीटर जाना चाहें आपको 2 दिन या 1.5 दिन लग जाएगा, गाड़ी से जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। शनिदेव भी स्लो मूविंग है बहुत ज्यादा, एक राशि में 2.5 साल लेते हैं गोचर करने में और वापस उस राशि में आने में 30 साल का वक्त लेते हैं। इसलिए जो पांव में हम चीजें डालते हैं वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है स्लो, क्योंकि हम अपनी पैदल यात्रा जो है वो स्लो करते हैं, लाइफ में धीरे धीरे चलते हैं। और हमारे साथ साथ स्पीड पे कौन चलता है? चंद्रमा, क्योंकि सभी प्लैनेट में सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड होती है वो चंद्रमा की होती है। अब जूतों के लिए मैं आपको एक प्रिंसिपल दूंगा, 11th हाउस राहु अच्छा होता है शिव शर्मा जी, डिपेंड करता है नक्षत्र के ऊपर। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपना ना लगन आइडेंटिफाई करो, सबसे बड़ा शूज को लेके वास्तु दोष बताने जा रहा हूं आपको, सबसे बड़ा। आज अगर चेंज करेंगे तो आज जीवन में रिजल्ट मिलेगा, 1 घंटे बाद चेंज करेंगे तो 1 घंटे बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा जीवन में, जस्ट आफ्टर 1 आवर ऑफ दिस स्मॉल चेंज। अगले 5 मिनट आपके जीवन बदल सकते हैं इस लेक्चर के। आपका जो लगन है लगन का जो लॉर्ड है, लगन का जो स्वामी है, उस प्लैनेट के कलर के जूते कभी नहीं डालने चाहिए लाइफ के अंदर, कभी नहीं डालने चाहिए। आपने अपने लगन को ही अपने पांव के नीचे रख दिया जाकर, इमेजिन। आपका मेष लगन है, 1 नंबर और 8 नंबर मेष और वृश्चिक होते हैं, स्वामी होते हैं मंगल। लाल रंग के जूते स्पोर्ट्स शूज आते हैं ना रेड कलर के, आप डाल के देखो आपके घर से बीमारी मिसफॉर्च्यून्स प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होगी। आपका 10 और 11 नंबर लगन है शनि, नीले डार्क ब्लू कलर के, कंप्लीट डार्क ब्लू कलर के जूते नहीं डालने आपने कभी भी। आपका 3 और 6 नंबर लगन है हरे रंग के स्पोर्ट्स शूज, ग्रीन कलर के, जो बुध है उसका मालिक, आपने जो प्राइम मिनिस्टर आपकी कुंडली का, जो चीफ मिनिस्टर आपकी कुंडली का जो हेड है, जिसने सारे प्लैनेट्स को डिपार्टमेंट दिए, आपने उनको अपने पांव के नीचे जगह दे दी, अपने जूते बना लिए उसको। आपको लाइफ में मिसफॉर्च्यून तो आएगा ही आएगा, स्पोर्ट्स शूज पे जाते हो आप, देखना आपके घर में कोई ऐसे जूते जरूर होंगे जिनको डालने के बाद आपको क्लेश पड़ जाता होगा, ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर पे। आपने नए खरीद के 2 दिन डाल के आपने साइड पे रखे होंगे, मैंने ये नहीं डालने, ये डालता हूं तो मेरा झगड़ा हो जाता है, ये डालता हूं तो मैं बीमार पड़ जाता हूं, ये जूते डालते मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। होंगे आपके घर में ऐसे जूते, कपड़े भी होंगे, शर्ट पैंट भी होगी आपके घर में ऐसी,
जिनको डालने से दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो मेरा कल का टॉपिक है। आपके वार्डरोब को भी तो ऑर्गेनाइज करना है मेरे को वास्तु के हिसाब से। सो लगन के कलर के जूते, अगर आपका 9 नंबर और 12 नंबर धनु और मीन लगन है, पीले संतरी इन सब कलर के जूते भी डाल रहे हैं अपने लाइफ में। येलो फ्लोरोसेंट कलर के जूते आजकल बड़े अच्छे आते हैं, नाइकी के, प्यूमा के, जिम शूज डालोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करोगे आप अपनी लाइफ में। उनके लेसेस भी येलो नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र का लगन है, शुक्र का कलर कौन सा होता है? शुक्र का कलर हल्का क्रीम कलर होता है, जो स्पर्म का कलर होता है, हल्का क्रीम कलर, व्हाइट कलर नहीं होता शुक्र का, हल्का ऑफ व्हाइट क्रीम कलर जो होता है वो कलर होता है शुक्र का। वैसे जूते नहीं डालने आपने कभी, चाहे वो लेदर के है चाहे वो जोन से भी जूते हैं। बिल्कुल गलत जी, आपको रेड नाइकी डोनेट करने पड़ेंगे। आपकी हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ना हो रही हो उसकी वजह से, बिल्कुल हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कुंभ लगन है आपका, कमलदीप कपूर जी कह रहे 11 नंबर या 10 नंबर, 10 नंबर लगन है आप, 11 नंबर लगन है आपका कुंभ लगन, 11 नंबर। शनि का लगन है, नीले रंग के जूते नहीं डालने लाइफ में कभी भी, काले और नीले रंग के जूते अवॉइड करने हैं, ग्रे कलर के डालो राहु अगर अच्छा है। शनि एग्जॉल्ट है आपका कमल जी कुंडली के अंदर। केमद्रुम योग क्या होता है जी, ये तो आपको बताएंगे केमद्रुम योग क्या होता है। चंद्रमा के आसपास कोई प्लेनेट नहीं होता ना, उसको केमद्रुम योग कहते हैं। वो आपको समझाऊंगा जब ज्योतिष बताऊंगा कि एक घर पहले और एक घर बाद में कोई प्लेनेट ना हो, अकेला बैठा हो प्लेनेट, खराब होता है वो, तो वो आपको बताएंगे केमद्रुम योग क्या होता है जब आपको समझाएंगे। साथ वाले कैन भी है ब्लू, हाँ डाल सकते हैं साथ वाले ब्लू डाल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। सात नंबर शुक्र को जाता है, तुला लगन जो है शुक्र का है, उसका स्वामी शुक्र है, वृषभ लगन का स्वामी शुक्र है। ऑफ व्हाइट कलर के जूते लाइफ में नहीं डालने, डालोगे चोट लगेगी। अगर पास्ट में एक्सपीरियंस में जाके देख सकते हो तो जाओ देखो, फिर मुझे बताओ कि ऑफ व्हाइट या व्हाइट कलर के जूते लिए तो चोट खाई, बीमारी आई, घर पे पैसे का लॉस हुआ, अपनी एनर्जी लॉस हुई, समाज में नेम फेम में कमी आई, आपके प्रतिष्ठा में कमी आई। कन्या लगन में फॉर्मल शूज आप डाल सकते हैं, ब्लैक शनि की पोजीशन आपको चेक करनी है। जो फॉर्मल शूज हैं वो ब्लैक भी आते हैं, ब्राउन भी आते हैं, रेड कलर के भी आते हैं, उसके लिए आपको पोजीशन चेक करनी पड़ेगी दशा अंतर दशा की। लेकिन कन्या लगन में काले जूते डाल सकते हैं आप। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है आपका 10 नंबर, आपको जुड़ी थोड़ा 10 नंबर जो है वो शनि का है, शनि का नीला और काला रंग होता है, आपको ब्लू किसने बोला डालने को, आपको नहीं डालना चाहिए। 5 नंबर लगन है, 5 नंबर लगन सूर्य का होता है सचिन जी, तो सूर्य में पीले रंग के फ्लोरोसेंट कलर के ऑरेंज कलर के जूते नहीं डालने आपने। सन को ऑरेंज कलर बिलोंग करता है, केसरी रंग, इस कलर के जूते कभी नहीं डालने आपने लाइफ में, ना ही ऐसी सॉक्स डालनी है। अब जूतों के साथ साथ सॉक्स का भी देख लीजिए आप, कोशिश करो कि व्हाइट कलर अगर आप डाल रहे हैं सॉक्स ही, तो चेक करें अपना लगन, क्योंकि पाओ में आपके लगन से रिलेटेड कलर नहीं होना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल फेस प्रॉब्लम्स, ये सारा वास्तु दोष है। देखिए गगन जी पूछ रहे हैं कि फॉर्मल जूता कौन से कलर का होगा, डिपेंड करेगा आपके शरीर के ऊपर। मेष लगन है आप, जो वाइन कलर का जूता होता है ना गगन जी, वो ट्राई करिए। मेष लगन जो राहु का कलर है राइट, या हल्का ग्रे कलर का जूता जो होता है वो आप ट्राई कर सकते हैं, ब्लैक भी ट्राई कर सकते हैं आप गगन जी, डिपेंड करता है शनि और राहु के ऊपर, लेकिन वाइन कलर का तो आपको सूट करेगा। कुंभ राशि 11 नंबर शनि का है, अवॉइड कीजिए कि नीले रंग का स्पोर्ट्स शूज ना डालें आप, ब्लैक कलर का फॉर्मल जूता ना डालें आप, ब्राउन डाल लीजिए जो कि राहु का कलर है। केतु का कलर होता है ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर होता है वो केतु का, जो बिल्ली का रंग होता है ना कैट का,
इसीलिए कैट्स आई का स्टोन भी आता है, वो हल्का सा हरा और ग्रे सा होता है, तो वो बिल्ली का कलर होता है। वो केतु का कलर होता है, जो ब्राउन होता है कॉफी कलर, वो राहु का कलर होता है। राहु का नीला काला कलर नहीं होता, राहु का ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर। सूरज जी आपकी कन्या लगन है शनि छठे भाव में, अच्छी पोजीशन पे है शनि। मैलिफिक प्लैनेट इन मैलिफिक हाउसेस डू वेरी वेल, लेकिन मुझे नक्षत्र नहीं ना पता आपकी कुंडली में, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आपको अपना जो लगन है उसको ध्यान में रखकर कभी भी लगन की चीजें फुटवियर में मत डालें। आपकी कुंडली में सेहत खराब होगी, आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सारी जो आपका बोझ है वो लापे उठाती, लेग्स उठाती है आपकी, तो लेग्स में, घुटनों में, चलने में, फिरने में, लोअर बैक में, स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी आपकी कुंडली में, आपके शरीर में, अगर आप लगन लॉर्ड के कलर की चीजें पांव में धारण करते हैं, जूता या जुराबे। बी वेरी केयरफुल, बड़ा आसान है अपने लगन को आइडेंटिफाई करना। जो भी नंबर इस घर में लिखा है उस नंबर की राशि के सामने लिख दीजिए कि ये अगर 10 नंबर राशि है तो मकर इसका लॉर्ड शनि है, वो आपको गूगल में भी मिल जाएगा। जो शनि का रंग है वो आपके पांव में नहीं होना चाहिए, जो मंगल का रंग है वो आपके पांव में नहीं होना चाहिए, जो बुध का रंग है वो आपके पांव में नहीं होना चाहिए। जूतों का वास्तु दोष 90% खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और जूते होने कहां चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में हमेशा जूते होने चाहिए आपके, क्योंकि वेस्ट में शनि है, नॉर्थ में चंद्रमा है, चंद्रमा की जगह पर जूते होने से आपका निरंतर जीवन चलता रहेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। तो आपका जो रैक है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। कमरा है, कमरे के नॉर्थ वेस्ट में जूते रख सकते हैं, जूते के ऊपर जूता नहीं रखना है। जूते 3-4 प्रकार के होते हैं घर में, एक तो आप रेगुलर डालते हैं चप्पल जिसे बोलते हैं घर पे, एक ऑफिस डालने के और एक पार्टी वियर फॉर्मल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फॉर्मल। तो कभी भी पार्टी वियर और ये सब इकट्ठे जगह को बचाने के लिए एक के ऊपर एक नहीं रखना, वो वास्तु दोष होता है, जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ और पार्टी लाइफ सब खराब होती है। थोड़ा अलग अलग करके आप रख दें उनको, कोई बात नहीं, कम ले लो जूते, 4-4, 6-6 पेयर की जगह 2 पेयर ले लो, 3 पेयर ले लो, बहुत है। एक्स्ट्रा जूते रखना भी वास्तु दोष है, फिर आपको जूते के ऊपर जूता रखना पड़ता है, और 2-2, 3-3 जूते जो लेडीज है गुजार देती है खाने के अंदर, विच इज अ कंप्लीट वास्तु दोष, वो नहीं होना चाहिए कुंडली में, ना घर पे होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में आपको जूते रखने हैं। हाँ, झाड़ू भी नॉर्थ वेस्ट में ही होता है, जो पांव की सब चीजें है ना, जो डस्ट लेकर आती है निकालती है, सब नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो समझ में आया, बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, बड़ी डीप बातें मैंने आपको बताई, और आप छोटी छोटी बातें हैं, घड़ी देखिए, रिस्टवॉच देखिए, क्लॉक देखिए, और जूतों का भी, कल हम आपकी वार्डरोब और घर में कौन से कमरे में कौन सा कलर होना चाहिए, नवांशा चार्ट से कैसे देखना है, मटेरियल कौन सा लगा होना चाहिए, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। पुरानी रिस्ट वॉच को आप दान कर दो, किसी को दे दो, किसी ऐसी दुकान, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी, किसी दुकान पे जाकर जहां पे पुरानी घड़ियां बिकती हो, चाहे 50 रुपए मिले उसके, आप दे आओ जाके, वो राहु दोष होता है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, मैं अपनी वाणी को यही विश्राम करूंगा, तो आपको मैं कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।